नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आपको हमारा पिछला अंक पसंद आया होगा। हम आपको बता रहे हैं आल्हा की अमरता का रहस्य और माँ हिंगलाज के दर्शन की लड़ाई। तो आपको हमने बताया था किस तरह से आल्हा उदल हाथी और सिंह के नाके से जीत करके आगे बढ़ते हैं और वहाँ नक्शादानों से युद्ध होता है और आल्हा उदल पराजित हो जाते हैं। तब वह आल्हा से बार बार प्रार्थना करते हैं मलखान और उदल कि दादा, ये नक्शादानों हमारे बस का नहीं है और अगर हो सके तो आप ही अब कुछ उपाय कीजिए, क्योंकि आल्हा धर्मराज युधिष्ठिर के अवतार कहे जाते हैं, इसलिए बहुत सी बातें उनको पहले से पता थी। दूसरी चीज, वो माँ शारदा के अनन्य उपासक हैं, इसलिए उनका आध्यात्मिक बल बहुत अधिक है। वो तत्काल विचार करते हैं और अपने साथ में आए हुए चिंता मन पंडित को बुला करके कहते हैं, पंडित जी, देवी माँ की प्रसन्नता के लिए आपको एक अनुष्ठान करना है। और वहीं पर तत्काल अनुष्ठान की तैयारियां की जाती हैं और यज्ञ की आहुतियों के द्वारा माँ को प्रसन्न किया जाता है। भगवती ज्वाला स्वरूप में प्रकट होती हैं, तब वो कहती हैं, कहो भक्त, आज मुझे क्यों परेशान किया, क्यों तुमने मुझे मढ़िया छोड़ करके अपने पास बुलाया है। तब आल्हा कहते हैं, हे माता, बहुत कठिन समस्या पड़ गई है, नक्शादानों से हम किसी प्रकार से विजय नहीं पा रहे हैं। तब देवी कहती है, आल्हा तुम बिल्कुल चिंता ना करो और तुम जाकर के उसका वध कर दो, क्योंकि इसका एक रहस्य ये भी है कि नक्शादानों किसी के द्वारा पराजित नहीं होगा, केवल तुम्हारे। और जब तक तुम युद्ध में नहीं जाओगे तब तक नक्शादानों नहीं मारा जाएगा। सारे संसार में उसे कोई एक मार सकता है तो वो हो तुम। तो आल्हा कहते हैं, धन है माता, और उनकी परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और नक्शादानों से युद्ध के लिए तत्पर हो जाते हैं। जो राजा परमाल की खाण बिजलिया थी, जो इंद्र देवराज इंद्र के द्वारा उन्हें दी गई थी, वह खाण बिजलिया लेकर आल्हा जब युद्ध के लिए नक्शादानों को ललकारते हैं तो वह दाना उनकी ललकार को सुन करके आता है और उसी समय उनका उससे घनघोर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। और एक ऐसा वार करते हैं आल्हा जब उसके दोनों हाथ कट जाते हैं, लेकिन वो भयंकर चीत्कार के साथ फिर दौड़ पड़ता है आल्हा की ओर मुंह खोल करके। तब आल्हा अपने एक ही वार से उसकी गर्दन काट देते हैं, फिर भी उसका रुंड लड़ता रहता है। इस तरीके से उसके जब अनेकों टुकड़े हो जाते हैं तब जाकर के वह दानव शांत होता है। इस प्रकार से यह जंग भी बनाफरों के द्वारा जीती गई। और अब बारी आती है देवी पूजन की। जब वहां पर पहुंचते हैं तो ये प्रतिदिन सभी राजा पूजा आदि करते रहते हैं और नौमी के दिन माता की पूजा के लिए जैसे ही आल्हा मंदिर में जाते हैं और माता को भोग प्रसाद आदि के द्वारा तृप्त करते हैं तो माँ प्रकट हो जाती हैं और वो कहती हैं, भक्त, तू मुझे भोग लगा, तू मुझे तृप्त कर सकता है क्या। तो आल्हा माता के सारे को समझ जाते हैं और अपनी खाण बिजलिया के द्वारा अपनी गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं और माता की समक्ष प्रस्तुत करते हैं। माँ तत्काल प्रसन्न होकर के उनका शीश ज्यों का त्यों रख के जोड़ देती हैं और कहती हैं, पुत्र, आज से तुम अमर हो, तुम्हें इस जग में कोई मारने वाला नहीं है और जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक आल्हा तुम रहोगे। उसके पश्चात वह मलखान के पास जाती हैं और मलखान के सिर से लेकर के पैरों तक हाथ फेरती हैं। जैसे ही वो पैरों में तलवों के पास पहुंचती हैं तो मलखान अपना पैर पीछे कर लेता है
तब माता कहती हैं, मलखान आज अगर तुम अपना पैर पीछे नहीं करते तो तुम्हारा शरीर पूरा बजट हो जाता, लेकिन आज तुमने ये पैर पीछे कर लिया, यानी कि तुमने अपनी मृत्यु को ही सुरक्षित कर दिया। तुम्हारे पूरे शरीर में कहीं पर भी किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा घाव नहीं आएगा, लेकिन ये जो तुम्हारे पैर का तलवा है उसमें अगर चोट लगेगी तो तुम अवश्य मारे जाओगे। इस प्रकार से वह सब भाइयों को समयानुसार वरदान देती हैं और उदल को एक कंकन देती हैं जिसे जूझ का कंकन कहा जाता था, और कहती हैं कि उदल तुम किसी युद्ध में हारोगे नहीं। इतना कहकर के जब देवी जाने लगी तो सभी राजाओं ने कहा, माता ये तो अन्याय है, हम लोग भी आपके दर्शन के लिए आए हैं। तो माता कहती हैं, जिसे जो चाहिए है आप लोग मांग लीजिए। तो माता सबको वरदान देती हैं। इस प्रकार से वहाँ पर सभी को वरदान मिलते हैं। इतने में आती हैं चामुंड राय और वह भारी करुणाकंदन करते हैं कि माता मैंने तुझे अपने मांस की आहुतियाँ दी हैं और तूने वरदान के समय मेरे साथ ऐसा किया। तब देवी कहती है, भक्त जो समय था वो बीत चुका है और तुमसे पहले आहा ने आकर के पूजन किया है। तब चौड़ा को भी वो अजय होने का वरदान देती हैं। इस तरीके से हिंगलाज युद्ध में सभी योद्धाओं को वरदान मिलते हैं और वहाँ बावनगढ़ में बना पर विजेता घोषित होते हैं। कुछ इस प्रकार से थी यह आला की अमरता की रहस्य की कहानी जो मैंने आप सभी लोगों को सुनाई है। अगर आप सभी लोगों को मेरे बताने के अनुसार अच्छा लगा हो तो आप लोग मुझे आदेशित करें, मैं आपको आला के ब्याह के विषय में भी बतलाऊंगा। और अगर आपका आदेश नहीं आता है तो मैं इस सीरीज को यहीं पर एंड कर दूंगा, क्योंकि अगर आपका मन नहीं है तो मेरे सुनाने का क्या फ़ायदा। इसलिए आप लोग अगर मुझसे जुड़े रहें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं, और अपने कमेंटों के द्वारा आदेशित करें कि मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं या नहीं।